प्रदेश में पुरुष दर्जी अब महिलाओं के कपड़ों का नाप नहीं ले सकेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने सरकार को एक प्रस्ताव तैयार करके भेजा है। शासन की मंजूरी का इंतजार है। पूरे खबर विस्तार से आपको बताते हैं। कपड़े सिलवाते वक्त टेलर माप लेता है। कई दुकानों में पुरुष टेलर ही होते हैं, जिससे महिलाओं को काफी असहज होना पड़ता है। इसी तरह जिम और योग सेंटर में भी कई जगहों पर पुरुष ट्रेनर ही होते हैं और यहाँ पर भी कई बार ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। कई बार बैड टच वाली घटनाएं भी सामने आती हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कारगर कदम उठाने की तैयारी की जा रही है, जो उनको सुरक्षित महसूस करवाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक पुरुष टेलर को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए और न ही उनके बाल काटने चाहिए। इस प्रस्ताव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा, जिसका बैठक में मौजूद दूसरे सदस्यों ने समर्थन किया। वो महिलाएं आके मुझसे शेयर करती हैं कि उनके साथ किस तरह की घटनाएं वहां होती हैं। जैसे ट्रेनर है, मैं आपको बता सकती हूं कि 99% की अगर मैं बात करूं तो शायद सही होगा कि 99% जिम में ट्रेनर इस वक्त हैं तो वो लड़के हैं वहां, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि एक हर आदमी फिट रहना चाहता है, निश्चित रूप से महिलाएं भी फिट रहना चाहती हैं, महिलाओं के लिए जिम भी है, लेकिन वहां ट्रेनर, मैं ये चाहती हूं कि ट्रेनर वहां हो तो महिलाओं के लिए महिला हो। नंबर एक, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी जिम बंद हो या किसी की भी नौकरी जाए। मेरा उसमें एक चीज और ये थी कि क्योंकि जैसे जितने सारे केसेस आ रहे थे कि भाई छोटी बच्चियां हैं जिम जाती हैं लेकिन वो डर की वजह से पेरेंट्स को नहीं बता पाती, या महिलाएं वो जाती हैं तो उनको ये भी रहता है कि एक तो बदनामी वाला डर रहता है, दूसरा ये रहता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक जिम छोड़कर दूसरे जिम में जाएंगी तो वहां भी लड़के ही है, तो उनको ये भी रहता है कि भाई जब हमें जाना ही है तो ठीक है चलो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में है उनके कि भाई हम परेशान है वहां। कई सारे केसेस मेरे पास ऐसे है कि ट्रेनर हैं, फोटो खींच लेते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो ये जो सारी चीजें बहुत ही दुखद चीजें थी जिसके लिए मुझे इसमें सोचना पड़ा। तो मैंने कहा है कि आप एक तो पुलिस वेरिफिकेशन सारे लड़कों का वहां हो, जो भी लड़के हो या लड़कियों, जो भी ट्रेनर हो, दूसरा वहां लड़कियों के लिए लड़कियां ट्रेनर हो, पर फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई महिला ये कहती है कि मुझे इस लड़के को ही ट्रेनर अपना बनाना है तो वो अपनी सहमति से बनाए, और वो उस जिम वाले की ड्यूटी है कि वो उससे लिखवा के ले कि अगर कल को कोई बात होती है, कोई घटना आपके साथ होती है या कोई अगर आप कहीं असुविधा महसूस करती हैं तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी। तो मुझे लगता है कि हम इस पर क्राइम में भी लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि फिर वो उनकी अपनी चॉइस होगी। वो कम से कम हमारे शासन को, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों को या इनको किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मेरा यह था, दूसरा एक सीसीटीवी जो है कैमरे, वो एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। महिला सुरक्षा से जुड़े कई और प्रस्ताव भी हैं, जिनमें जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर हों। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स पर भी सीसीटीवी से निगरानी की जाए। महिला आयोग के प्रस्ताव का समर्थन दिख रहा है। बात सही है कि हर तरफ से गर्ल्स को सेफ रहना है, और क्या कहते हैं, हर जगह महिला आयोग ने ये सही क्या कहते हैं कि कानून निकाला है कि हर जगह क्या कहते हैं, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो क्या कहते हैं जिम ट्रेनर हो, हर जगह एक क्या कहते हैं कि लेडीज़ का रहना ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स कहीं भी जाती हैं उन्हें सेफ फील नहीं होता है। क्योंकि हम अगर रास्ते पे भी निकलते हैं ना, तो हमें एक जगह ऐसा फील होता है कि हमें शेम फील होता है। हम अगर जिम में जा रहे हैं तो हम जिम में अगर एक्सरसाइज भी करते हैं ना, तो हमें कहीं कहीं ना फील होता है कि हम क्या कहते हैं कि अपने आप को सेफ नहीं फील कर पाते हैं। मैम, आपका क्या सोचना है, जो प्रस्ताव बनाया, प्रस्ताव भेजा गया? मैं भी इस प्रस्ताव से पूरा सहमति रखती हूँ, क्योंकि जितना एक फीमेल की कंपनी में सेफ फील कर सकती है, उतना कभी किसी मेल की कंपनी में नहीं सेफ फील कर सकती है। और इन सारी जगहों का यूज़ करके बहुत सारे लोग हरासमेंट और छेड़छाड़ करते हैं, जिससे फीमेल्स की पूरी तरीके से वो परेशान हो जाती हैं, और जिस पर्पज़ के लिए वो जिम या टेलर के पास जाती हैं वो वहाँ अपना सेफ नहीं फील कर पाती और अपना काम भी नहीं कर सकती हैं। तो ये बहुत ही मैम, आपको क्या कहना है, जो ये प्रस्ताव आया उस पर क्या कहना है? महिला आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है उससे हम उसका समर्थन करते हैं, और लड़कियां जो हैं कहीं कहीं डर से भी कभी मेल के साथ नहीं जा पाती है जहाँ मेल कम्युनिटी बिलोंग करती है, और वहाँ पे जैसे फीमेल ट्रेनर हर जिम में होना चाहिए ताकि वो सेफ फील कर सके। एक महिला अपनी बात महिला से ज़्यादा अच्छे से शेयर कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू मेल। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई कोचिंग संस्थान वगैरह भी है वहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि
कहीं भी कोई भी अगर ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं तो उसका अच्छे से जांच पड़ताल हो। मैम आप क्या कहेंगे इस पर, आप बताइए प्लीज। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी महिला वहाँ से पॉइंट्स आए, मैं उसके प्रॉपर सपोर्ट में हूँ, बिकॉज जो एक लड़की होती है या वुमेन जो भी है वो ज़्यादातर अपनी वुमेन की ही कंपनी में सेफ फील करे। महिला आयोग की ओर से नए प्रस्तावों को सरकार के समक्ष भेज दिया गया है, अब शासन से मंजूरी का इंतजार है। में हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन नियमों पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से ये इन नियमों को देखते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने कुछ नियम बताए हैं, अभी शासन की ओर से उनको पास होना बाकी है। आपको क्या लगता है कि ये नियम कितना ज़रूरी हैं और आपने जो नियम देखे उसके अनुसार आपका क्या व्यू पॉइंट है, ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए नियम तो अच्छा है क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं कि हर लड़की, किसी भी लड़की से आप पूछिए उसको ये बैड एक्सपीरियंस हमेशा मिला होगा कि आप वो कहीं जा रही है, किसी टेलर के पास जा रही है या कहीं भी जा रही है तो उसको बैड टच मिलता ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी मेल टेलर के पास जा रहे हो, उनके पास में एक लेडी होनी चाहिए जो आपका नाप ले रही है, तो काफ़ी अच्छा है। ट्रेनर हो गया, टेलर हो गया या बस में कोई भी हो गया, कंडक्टर हो गया, आपको एक फ़ीमेल सिक्योरिटी महसूस होती है वहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा नियम है हम लोगों के हिसाब से। महिला आयोग की तरफ से कहा गया कि बैड टच के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, उसको देखते हुए इस तरह के नियम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सही चीज़ है, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ एक बैड टच होगा, ठीक है, एंड फिर अगर हम बोलना भी चाह रहे ना तो वो हम नहीं बोल पाते, बिकॉज हमारे पास उसका प्रूफ नहीं होता है सबसे पहली बात, और फिर अगर हम बोलने जा रहे हैं तो सामने से जो हमारे साथ ये हरकत करता है वो चढ़ने लगता है कि हमने ऐसा कब कर दिया, हमें प्रूफ दो, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है और फिर जो ऐसी हरकत करते हैं वो अपनी हरकत करते हुए चलते हैं और ये चीज़ रुक नहीं पाती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी सही है, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, प्रूफ देने की बात हो रही है, इसीलिए ये भी कहा गया है कि जगह जगह पर CCTV कैमराज इंस्टॉल हो। जी, ये बहुत सही है, और अगर ये इंस्टॉल हो रहे हैं तो बहुत सही चीज़ है, और ये दोनों पक्ष की तरफ से एक प्रूफ रहेगा, क्योंकि अगर लड़की भी गलत बोल रही है कि हमको ऐसा किया गया है तो ये प्रूफ एक उनकी तरफ से भी होगा कि विक्टिम है कौन आखिर, तो ये पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, विक्टिम है कौन ये पता चलेगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने भी सुना होगा महिला आयोग ने जो नियम प्रस्ताव रखे हैं उस पर आपकी क्या राय है कि ये जो प्रस्ताव है वो कितना सही? देखिए मेरा मानना है कि अगर महिला सुरक्षा के संदर्भ में बात करें तो ये नियम बहुत अच्छे हैं, और अब जैसे आपने कहा कि जो जिम में या जो टेलर्स वगैरह हैं वो लेडीज़ टेलर से नाप लेंगी, और आज के समय में बहुत सारे जो टेलर्स हैं वो जेंट्स हैं, मेल्स हैं, तो इस तरह से हमको कम से कम लेडीज़ टेलर्स को सामने आने का मौका मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट। वहीं आयोग की तरफ से सभी जिलों में इसे लेकर आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।